गुना रोटरी क्लब गुना रोटरी भवन गुना में 23 मार्च से 30 मार्च तक चलने वाले रोटरी ओलंपिक 2022 का बुधवार को चारों टीमों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रोटरी अध्यक्ष सुनील अग्रेश, सचिव श्याम गर्ग, रोटरा ओलंपिक संयोजक पवन अग्रवाल द्वारा पाल हेरिश के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर आरंभ किया गया, जिसकी शुरुआत नीरज नेटनाइजर्स ने अखंड भारत एवं चंद्रगुप्त मौर्य नाटक किया। गौरव फाइटर्स देशभक्ति का संदेश देते हुए सैनिक के चरित्र पर प्रकाश डाला। विशाल विक्टर्स ने शानदार नाट्य मंचन प्रस्तुत कर उपस्थिति जन समूह का मन मोह लिया। सभी प्रतिभागियों का माल्यार्पण व मेडल पहनाकर विजेता टीम के खिलाड़ियों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। नमस्कार, रोटरी क्लब गुना द्वारा रोटरा ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया। यह आयोजन 23 मार्च से शुभारंभ होकर 30 मार्च को आज जिसका समापन सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ रोटरी भवन गुना में किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के सभी सदस्यों ने भाग लिया। रोटरी क्लब गुना द्वारा इस रोटरा ओलंपिक में 4 टीमों का चयन कर 4 कप्तान बनाए गए और सभी टीमों में 20-20 खिलाड़ी अपनी भागीदारी की, जिसमें सुथौलिया, रस्सीकूद, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, थ्रो द बॉल आदि गेमों का गेम खिलाए गए और सभी प्रतिभागियों ने इन खेलों में अपना हुनर दिखाकर विजय प्राप्त कर रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुनील अग्रेश जी, सचिव श्याम गर्ग जी व कार्यक्रम रोटरी ओलंपिक के संयोजक पवन अग्रवाल जी, सहयोगी विशाल तायल जी एवं हमारे दहीवाते सर द्वारा इन सभी खिलाड़ियों को विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर उत्साहवर्धन किया गया। साथियों, मैं आपको बता दूं, पिछले 2 वर्ष के कोविड के कारण हम लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई खेल गतिविधियां क्लब द्वारा नहीं की जा रही थी। इसी उद्देश्य से रोटरी क्लब ने इन खेलों का आयोजन कर लोगों में परिवार भाव और उनके अंदर छुपे हुए खेल प्रतिभा को निखारने के लिए यह रोटरी ओलंपिक का आयोजन किया गया था। धन्यवाद। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।